Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So finally, मैं वापस आ गई हूँ YouTube पे. I know मैंने नवंबर में बिल्कुल भी कोई वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ अपने पर्सनल काम को लेके एंड मुझे लग रहा है दिसंबर में भी मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड ही रहने वाली हूँ और उतनी ज़्यादा वीडियो शायद आपको नहीं मिल पाएंगी. आप लोगों ने जितनी भी मुझे वीडियो रिक्वेस्ट करी है वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने परचेज कर लिए हैं और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उनका वीडियो बना के रिव्यू करके आपको शेयर कर दूंगी और आप इसे देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो प्रोडक्ट परचेज करना है कि नहीं करना है. सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे कि थोड़ा सा ऑक्यूपाई मैं हूँ एंड यू विल फॉरगिव मी फॉर दिस थिंग. सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस हॉल वीडियो. मैं ब्रांड वाइज प्रोडक्ट शो करूँगी और जितनी भी डिटेल्स हैं इनकी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी क्योंकि ये मैंने एक साइट से नहीं खरीदे हैं. आई गॉट इट फ्रॉम डिफरेंट साइट्स, नायका, अमेजोन और purple.com से. तो मैं सारी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सो दैट यू कैन डायरेक्टली गो देयर एंड परचेज इट इफ़ यू लाइक दैम. लेट मी स्टार्ट विद द मिस क्लियर वन. तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है ये लिप ग्लॉस. अभी भी मैंने ये लिप ग्लॉस लगाया हुआ है एंड दिस इज़ इन शेड 129. ये लिप ग्लॉस है, दिस इज़ नॉट द मैट लिप क्रीम. उनकी जो मिस क्लियर की आती है ये काफ़ी प्रिटी शेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दिन में पहनने के लिए और डेली वेयर में लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. बट द ओनली इशू आई हैव विद दिस थिंग इज़ द पैकेजिंग, क्योंकि इसमें जैसे ही मैं इसको ओपन करती हूँ जितना भी प्रोडक्ट होता है वो सारा का सारा इसमें इसका जो वॉन्ड होता है उसमें आ जाता है. तो मुझे थोड़ा इसको वाइप करके और फिर हल्का सा इसको अप्लाई करना पड़ता है. तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा पैकेजिंग अगर इसकी कुछ डिफरेंट टाइप की होती तो शायद ये उतना अनहाइजीनिक या फिर गंदा नहीं होता. तो दैट्स द ओनली इशू, बट आई रियली लाइक द शेड. अदर वन इज दिस लिपस्टिक लिप पेंसिल फ्रॉम मिस क्लेयर. दिस इज इन शेड रेड L40 एंड लेट मी स्वॉच इट ऑन माई हैंड. दिस इज़ वेरी प्रिटी रेड कलर, टमेटो रेड कलर जो होता है इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. दिस विल लुक वेरी प्रिटी इन नाइट टाइम. तो बेसिकली मैंने ये अपनी लिप लाइन करने के लिए लिया है बिकॉज यू गाइज नो दैट आई हैव लॉट ऑफ रेड लिपस्टिक्स. तो इसीलिए आई बॉट दिस लिप लाइनर. नाउ आई हैव टू अनदर आई पेंसिल्स फ्रॉम मिस क्लेयर. वन इज़ सिल्की ग्रे E02. दिस इज़ ग्रे कलर आई पेंसिल जो कि मैंने अभी लाइनर लगाया हुआ है इससे. और जो दूसरी है वो है गोल्ड E13 जो कि गोल्डन कलर की है. ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई बोथ ऑफ देम इन माई कमिंग वीडियो. सो या दीज आर द स्वॉचेस. नाउ आई हैव बॉट दिस फैशन ब्राउ पेंसिल इन शेड ग्रे फ्रॉम मेबेलिन. मेरे पास ऑलरेडी इसका ब्राउन शेड है बट आई वॉन्टेड टू हैव अ ग्रे शेड एज वेल. तो मैंने ये ले लिया अपना. दीज टू लुक्स वेरी सिमिलर बट ये ब्राउ पेंसिल है और वो आई पेंसिल है. तो या प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज इन देम. आई बॉट मेकअप रिमूवर फ्रॉम गार्नियर. दिस इज़ फॉर रिमूविंग ऑयली वाटर प्रूफ मेकअप एंड दिस इज़ अ नॉर्मल मेकअप रिमूवर. मैंने दोनों इसके लिए है क्योंकि आई वॉन्टेड टू ट्राई बोथ ऑफ देम और अपना रिव्यू देना चाहती थी. दैट्स व्हाई आई बॉट बोथ ऑफ देम. एंड आई बॉट मस्कारा फ्रॉम कलर बार. ये जो है कलर बार का लैश इल्यूजन मस्कारा डुओ है जिसमें कि वन साइड जो है वो वॉल्यूम देने के लिए है और दूसरी साइड जो है वो लेंथ देने के लिए है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ इट. ये मैंने ओपन कर लिया, अभी मैंने सिर्फ लेंथनिंग वाली मस्कारा ट्राई किया है एंड इट्स ओके. आई हैव नॉट सीन मच डिफरेंस इन द लेंथनिंग ऑफ माई लैशेज. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दी वॉल्यूम वन और जैसे ही मैं इसको कुछ टाइम के लिए ट्राई कर लूँगी आई विल कम अप विद द फुल रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट एज वेल. Another product is this blush from Wet n Wild. This is a very nice ombre sort of a blush. Very natural है, बहुत ही ज़्यादा दिन में पहनने के लिए बिल्कुल एक natural जो glow होता है उस तरीके से देता है और I really like it. इसका pigmentation काफ़ी अच्छा है. ये powder इसका काफ़ी silky है तो easily blend हो जाता है, बिल्कुल भी patchy नहीं लगता. So yeah, this is the one. और अगेन जितनी भी इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, प्राइसिंग है, लिंक है डायरेक्ट, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सो दैट यू कैन चेक इट आउट. एंड देन आई बॉट टू आई लैशेज फ्रॉम पैक. वन इज़ पैक 52, दिस इज़ पैक 52 एंड अनदर वन इज़ पैक 62.
पैक 52 जो है वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई रियली लाइक इट. ये बहुत ही लाइट है, आईज़ पे आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आपने आई लैशेज लगा रखी है, फेक आई लैशेज लगा रखी है. इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल और ये मैंने डे टाइम पे यूज़ की थी एंड इट लुक्स रियली नेचुरल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस वन. ये थोड़ा सा बोल्ड है एंड मुझे लगता है ये मैं सिर्फ रात में ही यूज़ कर पाऊँगी. सो या, दीज आर द टू आई लैशेज फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स. I got this lipstick from Nykaa in shade Noor 05 जो उनका नया मैट रेंज लॉन्च हुई थी ये उसमें से है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी शेड. इट्स अ मैट पिंक शेड. आई फील इट इज़ अ लिटिल बिट ऑन अ फ्लोरोसेंट साइड और ये भी काफ़ी अच्छा है दिन में लगाने के लिए. अगर आपकी फेयर है, फेयर टू मीडियम स्किन टोन है, देन दिस विल लुक वेरी प्रिटी ऑन यू. डस्की स्किन पे शायद ये थोड़ा सा उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, थोड़ा सा वॉश आउट कर देगा स्किन टोन को. सो इट्स वेरी गुड फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन. इसकी आउटर पैकेजिंग आई डोंट नो मैंने कहाँ रख दी है, सो याद ये अभी एक्चुअल है और जब मुझे उसकी आउटर पैकेजिंग मिल जाएगी देन आई विल कम अप विद द फुल रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट इज वेल. And last but not the least, I have got two perfumes from Engage. This is perfume spray W1 and perfume spray W2. ये भी काफ़ी अच्छे हैं और मैं इसको काफ़ी बार यूज़ भी कर चुकी हूँ. दोनों ही मुझे ठीक लगते हैं. ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही माइल्ड है, लाइट है, बट ये काफ़ी देर तक रहते हैं. इसका जो इसकी जो फ्रेग्रेंस है इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग और मुझे अच्छा लगा. मुझे ये दोनों ही प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगे. सो यस, अगर आपको माइल्ड और थोड़ी सी सॉफ्ट सी फ्लोरल सेंट पसंद है तो यू कैन ट्राई दीज टू. सो यस, दिस वाज द हॉल वीडियो फ्रॉम माय साइड. और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने पिछले कुछ दिनों में ख़रीदे हैं, इकट्ठे ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे हैं. और कुछ एक प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर कर दिए हैं जो कि एक दो दिन में आने वाले हैं. मैं उनको इंस्टा पे अपडेट कर दूँगी. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं देन प्लीज़ डू फॉलो मी ओवर देयर. और येस, इफ़ यू हैव एनी सजेशन देन प्लीज़ डू लीव इट इन द कॉमेंट बार. हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बोथ ऑफ माई चैनल्स ओमनी स्टाइल्स एंड वी ट्रैवलर. एंड आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.